की कौन सी चीज़ें हैं जो अभी हमें अवॉइड करनी है, ठीक है? लाइक वो चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए इफ़ यू वॉन्ट योर माइंड टू बी कामर ऑन योर एग्ज़ाम डे। आपको कैसे भी करके ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी। एंड वील टॉक अबाउट डूज एंड वील टॉक अबाउट डोंट्स कि जो हमें नहीं करनी, ठीक है? सो लेट जस्ट डाइव राइट इन टू द वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज जस्ट दैट कि हम क्या करते हैं ना, कि सबसे ज़्यादा अभी क्या हमारी हाई होती है, मोटिवेशन बहुत ही हाई होता है। कुछ लोगों का मोटिवेशन हाई होता है, कुछ लोगों का मोटिवेशन बहुत ही लो होता है। इट जस्ट दैट कि हो सकता है कि आपके से मार्क्स नहीं आ रहे हो जैसे आप ड्रीम कर रहे होगे, फिर इमेजिन कर रहे होगे, ठीक है? ओनली वन सॉल्यूशन फॉर दिस कि प्लीज़ स्टॉप गिविंग अननेसेसरी मॉक्स। अननेसेसरी मॉक्स हमें नहीं देने, उतने ही मॉक्स हमें देने हैं जितने नेसेसरी है। देखो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 31 बस यही 2 दिन है। देखो 3 को पेपर है, ठीक है? और मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो 2 वाला स्लॉट है ना हमारा, वो हमारा ट्रैवलिंग में जाने वाला है। तो व्हेन वी ट्रैवल नो, तो उसमें ऑलरेडी हमारा इतना सारा टाइम जा चुका होता है ना कि फिर उसमें यार ऐसा कुछ बचता ही नहीं है कि ये करना है वो करना है। नहीं, यू नीड टू बी वेरी 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 काम। और अभी अगर आप इन 2 दिनों में ज़्यादा मॉक्स लगाओगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेट मी टेल यू, यू वो आप क्या कर सकते हो अभी कि जो मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं ना, आपको मेमोरी बेस्ड पेपर पे ही फोकस करनी चाहिए, क्योंकि दीज आर द थिंग्स जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट विच यू हैव टू डू इज मेमोरी बेस्ड पेपर लगाओ। जितने ज़्यादा पेपर लगा सकते हो ना, उतने ज़्यादा पेपर लगाओ, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर क्या होता है, वो ईजियर साइड में है। जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि जो प्रीवियस पेपर्स है ना, दे आर वेरी ईजी राइट ना। उसके बाद वॉट यू कैन डू इज यू कैन गिव सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट से बेटर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लाइक सेक्शनल टेस्ट आर द बेस्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगेन एक छोटा सा सेक्शन होता है, छोटा सा टाइमिंग होता है, उसमें आपका दिमाग इतना ज़्यादा डरता नहीं है कि अरे शिट मुझे इसमें ये करना है, मुझे इतने टाइम में ये करना है ना। तो आपका दिमाग बहुत ही शांत होगा, है ना? और उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या कर सकते हो ना, एनालिसिस करो। एनालिसिस होनी चाहिए प्रीवियस मॉक की। जब तक वो नहीं होगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। एनालिसिस ऑफ प्रीवियस मॉक्स इज सो इम्पॉर्टेंट कि आई कॉन्ट इवन टेल यू। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आई हों, इसमें ना समझ में आई हों, बट वेन यू विल डू दिस नो, आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, आप खुद ही बोलोगे कि ठीक है, अच्छा वो मैंने एनालिसिस करी, एटलीस्ट मेरे जो इन सब पॉइंट्स में जो डाउट्स थे ना, वो मेरे क्लियर हो गए। एंड राइट नाउ विल आस्क मी योर 1 to 2 सोर्सेज, आई टेल यू। फर्स्ट इज द टेस्ट बुक। आप क्या करो कि टेस्ट बुक पर जाकर के देख सकते हो, अभी सेल चलती है, ठीक है? इट्स अप टू यू इफ यू वॉन्ट टू लुक फॉरवर्ड इट और नॉट, बट मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ये जो मेमोरी बेस्ड पेपर है ना, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए। उससे भी बड़ी बात यह है ना कि बहुत सारे बच्चों ने उसको अटैम्प्ट किया, ठीक है? तो जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगाते हो ना जहाँ पे ज़्यादा बच्चों ने अटैम्प्ट किया होता है, तो आपको एडवांटेज होता है, यू ऑल नो, ठीक है? तो 395 में अभी वो टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा आपको, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में है। और ये इसके साथ साथ मेमोरी बेस के साथ साथ आप वहाँ से सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो, और वहाँ पे एनालिसिस भी आप देख सकते हो कि कहाँ पे चीज़ों आपने यू नो सुधार की जरूरत थी, कहाँ पे आपने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। तो यू कैन लुक फॉर दैट, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस मैं नीचे आपको लिंक दे रही हूँ, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड यू कैन चेक दैट आउट। 395 में आपको मिल जाएगा। इफ़ यू यूज़ माई कोड GYAR10 यू विल गेट 12% डिस्काउंट, ठीक है? दीज आर द डूज विच यू हैव टू डू। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें करनी है ना, वो ये है कि जितना ज़्यादा अभी आप ये करोगे ना, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? वो इसको चाह के भी आप छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अप्रॉक्सीमेशन ही ज़्यादा करो अभी तो, ठीक है? उसके बाद क्वाड्रेटिक, ये 2 चीज़ें आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगी। इसके लिए भी आप बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, देखो आपको जो सही लगे ना वहाँ से क्विजेज आप लगा सकते हो। बहुत सारी जगह पे क्विजेज अवेलेबल है, फ्री PDFs अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वो डाउनलोड करके आप लगा सकते हो। देखो अभी हमारे पास 2 दिन है, तो इन 2 दिनों में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं ना, वो अभी हमें हमारे लिए करना है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जो हमें नहीं करनी है, ठीक है? एक्सेस मॉक्स नहीं लगाने अपने को, क्योंकि दीज आर द वेस्ट ऑफ टाइम। मैं आपको बता रही हूँ कुछ नहीं होने वाला है इससे। इट जस्ट दैट यू विल फील डीमोटिवेटेड, यू विल फील एग्जॉस्टेड, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। यू विल एंड अप बीइंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो बहुत सारी चीज़ों से। तो इसलिए एक्सेस मॉक्स मत लगाओ, एक भी नंबर आएगा ना, बहुत ही कम मोटिवेशन हो जाएगा आपका।
और ये चीज़ों को अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी देखो यार, आप अगर आपने अगर दूसरे स्टेट से, आपको ऑलरेडी ट्रैवलिंग में एक दिन जाने वाला है, तो यूज़ योर टाइम वेरी वाइजली, वेरी वेरी वाइजली, उन्हीं चीज़ों पर काम करो जो कि वीक थे आपके। और देखो अभी टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक बेसिक चीज़ें, इनको करो। हो सकता है कि आपको मोटिवेटेड ना फील हो रहा हो, है ना, तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। मोटिवेशन लो होना इज़ वेरी कॉमन। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना यार। मुझे पता है कि इजी देन सेड वाली बातें होती है, बट आई नो कि आप कर लोगे यार। देखो चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। अभी आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते कि चलो ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। नहीं बाबा, आपके पास अभी उतना वो नहीं है, टाइम नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं अर्थमेटिक भी उठा लेता हूँ। नहीं, अभी इट जस्ट यू हैव ओनली 2 डेज, ठीक है। तो प्लीज़ इन लास्ट डेज में कुछ भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करो जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस रुक जाए, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स जो मुझे बतानी थी ना, मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हेल्प चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो, मैं ज़रूर से ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी और रिप्लाई करूँगी कमेंट्स का, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।